फिरोजाबाद जिले के शोकोबाद थाना परिसर में गुरुवार को क्षेत्राधिकारी की अध्यक्षता में शांति बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में चेहल्लुम को लेकर आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए विचार विमर्श हुए। चेहल्लुम को लेकर गुरुवार दोपहर पीस कमेटी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सभी मुस्लिम समाज व धर्मगुरुओं की बैठक में संबोधित करते हुए पीस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे क्षेत्राधिकारी कमलेश कुमार ने कहा कि यह पर्व दोनों समुदाय मिलकर बनाएं, जिसमें जुलूस भी निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि चेहल्लुम त्यौहार प्रेम और सौहार्द के साथ मनाएं। जो लोग आपसी सद्भाव और माहौल को खराब करने का प्रयास करेंगे, ऐसी शरारती तत्वों पर कार्रवाई की जाएगी। आगामी जो है चेहल्लुम पर्व को लेकर शिया सुन्नी समाज से और मुस्लिम धर्मगुरुओं की मीटिंग की गई थी, इस मतलब शांतिपूर्ण तरीके से जुड़े उनका जुलूस निकले, क्योंकि दोनों समुदाय यहाँ पे शिया भी और सुन्नी भी दोनों के 18 तारीख को जुलूस निकल रहे हैं, उसी की तैयारियों को लेकर और रूट को लेकर कितनी भीड़ रहेगी, कैसे रहेगी, व्यवस्था किस प्रकार रहेगी, इसी लेके आज जो है ये मीटिंग बुलाई गई थी और दोनों समुदायों का जुलूस निकलेगा। इसमें सुन्नी समुदाय और शिया समुदाय का होगा, जो कि कटरा मीरा से है, और एक आदर्श टाकी से निकलेगा और कटरा बाजार होता हुआ पूरा यहाँ तहसील तराई से भगवत वाली बड़ा बाजार होता हुआ हुकुम वाली अड्डे तक निकलेगा, जिसमें कि प्रशासन ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे और हम भी इस बात का आश्वासन देते हैं, सब लोग मिलकर उसे बहुत प्यार से जुलूस को निकालेंगे। चेयरमैन प्रतिनिधि अब्दुल वाहिद ने कहा कि दोनों समुदाय बड़े हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मनाएंगे, जिसका जुलूस आदर्श टॉकीज से प्रारंभ होकर जो बड़ा बाजार स्टेट बैंक होते हुए यथास्थान पर जाकर समाप्त होगा।